गाइज, वेलकम टू दियाशिमा शो। आप लोगों से बात करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए अपना मास्क हटा देती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं लेके जाऊंगी आपको अपनी सोसाइटी के क्लब हाउस के अंदर, क्योंकि आज वहाँ कुछ स्पेशल है। मेरे घर के बाहर एक पैम्फलेट आया था दरअसल 3-4 दिन पहले कि आज वहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री आइस कॉन्स, यानी कि जिसको इंडिया में बोलते हैं चुस्की। आई डोंट नो कि उसका टेस्ट कैसा होगा। इंडिया में चुस्की मुझे बहुत पसंद थी, यहाँ की चुस्की कैसी होती है, कैसा उसका टेस्ट होता है मुझे अभी नहीं पता। मैंने आपको भी हाय चुस्की टेस्ट नहीं की है। तो मेरी फेवरेट तो काला खट्टा फ्लेवर है। आई डोंट नो यहाँ पे कौन कौन से फ्लेवर्स अवेलेबल होंगे। आज मौसम बहुत अच्छा, आप देख सकते हो कितनी अच्छी हवा चल रही है। पर एक वहाँ पे कंडीशन थी कि चुस्की पहले 60 लोगों को फ्री मिलेगी। मैं ना थोड़ा लेट हूँ, अभी 3:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 से 4:30 बजे तक है वो, और 3:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आई हैव टू रश देयर ताकि मुझे चुस्की मिल सके और मैं खा सकूँ। एनीवेज, अगर मुझे फ्री नहीं मिलती मैं उसको खरीद के भी खा लूँगी, बट हाँ मुझे वहाँ पर टाइम पर पहुँचना है और आपको भी दिखाना है कि US में चुस्की कैसी होती है। तो गाइज, ये है मेरी सोसाइटी और यहाँ घरों के बीच में से ये शॉर्टकट है क्लब हाउस जाने का, जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ क्लब हाउस जाने के लिए। इंडिया में तो अगर फ्री में चुस्की किसी सोसाइटी में मिल रही हो गर्मी के टाइम में, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे लोग ना आए। कब ये खुलेगा, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और गर्मियों में स्विमिंग पूल में बहुत मजा आता है, बहुत रौनक होती है। और इस टाइम हवा बहुत चल रही है, मुझे नहीं पता मेरी आवाज क्लियर रिकॉर्ड हो पा रही है कि नहीं हो रही है। तो गाइस, ये है वो वैन जहाँ पे मिल रहे हैं फ्री आइस कॉन्स, यानी कि चुस्की। आई डोंट थिंक यहाँ पे 60 की लिमिट खत्म हो चुकी होगी। और ये वैन है बहुत ही कलरफुल। इस वैन के पीछे कुछ इसकी कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, जो कि है जॉर्ज स्नो शार्क ओक्लाहोमास बेस्ट शेप्ड आइस। अमेजिंग है, बहुत ही कलरफुल वैन है और छोटे बच्चे भी आ गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। और ये इस तरफ से भी इतनी प्रिटी कलरफुल वैन है कि, और उधर देखो उधर और भी बच्चे आ रहे हैं। जिन जिनको ये वैन दिख रही है वो सब घरों से बाहर निकल के चुस्की का मज़ा लेने के लिए निकल रहे हैं। मेरी टर्न और मैं जा रही हूँ यहाँ पे लेने। हाय, व्हाट आर द फ्लेवर्स? ओके, आई विल जस्ट चेक एंड टेल यू। और यहाँ तो काफ़ी सारे फ्लेवर हैं, पर यहाँ मुझे काला खट्टा तो कहीं नहीं दिख रहा। सेंटर ऑफ यूनिवर्स, पीजे किंग, ड्रैगन स्लेयर, रेनबो, अन्ना एंड एल्स, निंजा टर्टल, क्रिएटर। और यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि अगर आप अपनी बनवाना चाहते हैं तो आप कोई भी इनमें से 4 फ्लेवर चूज करके अपनी एक चुस्की बनवा सकते हैं। पर मुझे लग रहा है मैं जाऊँगी निंजा टर्टल के साथ, जिसके अंदर है ग्रीन एप्पल और ग्रेप का कॉम्बो। ग्रेप्स मुझे पसंद है, तो लेट्स ट्राई निंजा टर्टल। I want Ninja Turtle. तो गाइस, मैंने तो अपनी चुस्की ले ली है, पर अभी मैं इसको सैडली खा नहीं सकती क्योंकि एक हाथ में मेरे फोन है और एक हाथ में मुझे अपना कप पकड़ना पड़ रहा है। तो मैं जल्दी से भाग के घर जा रही हूँ और इसको टेस्ट करती हूँ, खा के बताती हूँ कि कैसी बनी है। कि मैं अपनी चुस्की को घर जाके खाऊंगी, पर यहाँ पे मुझे बेंच दिख रहा है जो खाली है, जहाँ पे बैठ के मैं चुस्की का मजा इस अच्छे मौसम में ले सकती हूँ। सो गाइज, मैं बैठ गई हूँ बेंच पे और मेरी चुस्की पहले इतनी ऊपर थी वो पिंगल के नीचे जा चुकी है और मेरा सारा रस नीचे जा चुका है, अब सिर्फ ऊपर बर्फ बची है। मैंने थोड़ा डिले कर दिया है खाने में तो ये पिंगल गई है, बट एनीवेज नीचे से मैं रस निकाल के खा सकती हूँ। गाइज, आज वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है और साथ में चुस्की है तो और भी मज़ा आ रहा है। अगर मैं टेस्ट के बारे में बात करूँ तो हाँ, इसमें इंडिया वाली बात तो नहीं है, इतना ज़्यादा चटपटा नहीं है ये, बट हाँ अगर बहुत टाइम से चुस्की ना खाई और खाने को मिले तो हाँ अच्छी तो लगती है। तो मैं इसको इन्जॉय तो कर रही हूँ, बट हाँ मुझे इंडिया वाली चुस्की याद ज़रूर आ रही है। आपको कौन सा फेवरेट फ्लेवर है चुस्की का मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको कितना टाइम हो गया चुस्की खाए मुझे वो भी बताना, क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है और गर्मियां तो ऑलरेडी इंडिया में आ ही चुकी है, पर लॉकडाउन की वजह से चुस्की अगर आप खाना चाहते हो तो भी नहीं खा सकते क्योंकि सब कुछ बंद है। होपफुली सब चीज़ें जल्दी खुल जाएंगी और हम हमारी लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी और हम
फिर से अपनी लाइफ को उतना एंजॉय कर पाएंगे जितना हम पहले करते थे। इस चुस्की के साथ जो एक और दिक्कत है वो ये है कि इसके सर्व करने का तरीका, इसको इंडिया में चुस्की को स्टिक के अंदर देते हैं तो उसको हम आराम से चूस लेते हैं, सारा उसका रस पी जाते हैं, पर इसको उन्होंने इस डिस्पोजेबल कप में दिया है तो उसको चूस नहीं सकते, सिर्फ स्पून के साथ खा सकते हैं। तो या आई मिस कि मैं उस तरीके से चुस्की को खा पाती, बट या कोई बात नहीं। तो गाइस मैं अपनी वीडियो को अब यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ये चुस्की वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस चीज़ का, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।